सबसे मुशारिफ तब से अब तक आपकी ताई मांगता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए है भूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार के जनता। अरे भाई हाशिम भाई, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार फिर जहमत करें, मुझे फिर से पढ़ना चाहिए तो इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभाल ले। ताली बजाकर बताओ कि आप सुनने के मूड में हैं। क्या कहने हुए है भूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार के जनता चीख रही के जनता। मीडिया मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए। कुछ संपादक है बाजारी, क्या बात है, एम से कुछ 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 संपादक है बाजारी। अगला मिसला संभाल लेना, है जिनका कलम भी सरकारी। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के है व्यापारी, हर लफ्जों में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार की जनता की। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाय 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 हाय, साबित एमएलए फराज फातमी साहब, हाशिम भाई इस बंद की दोबारा फरमाइश कर रहे हैं। फराज साहब, आई लव यू, लव यू टू सर, आई लव यू। जनता चीख रही है, फिर पढ़ता हूँ। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के है व्यापारी। अच्छा पीछे में इसलिए जा रहा था, थोड़ा रूप मेरा बेहतर यू बैठा है, जब मैं पीछे का तो यू कान लगा, जब यही सुन तो मैं जाना बहुत कपड़ा मुझे। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका हरी टी शर्ट हाथ निकल से। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के है व्यापारी, हर लफ्जों में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार की जनता की। अब सुनना, बिल्ली का दूध पे पहरा है, क्या मिसरा है, बिल्ली का दूध पे पहरा है, बिल्ली का दूध पे पहरा है। मुझे एक नज़्म याद आ रही है, उससे पहले एक मतलब सुन ले। इरशाद, जिनके हाथों से तूने लिख के दिया भाई, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, संभाला जाए ऐसे नेताओं को संसद से। तारिक रहमान बॉबी भाई दुआओं से नवाज रहे हैं। अब एक इशारा करता हूँ और अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाए। शायद इशारों का नाम है, अगर मैं कोई नाम ले तो वो गाली हो सकती है, शायरी भी हो सकती है। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा ना अरमान भाई संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला।
आस्तीनों में तरक्की। पहले तू ये बता, तू दाद दे रहा है कि डांट रहा है? तुझे आगरा छोड़ रहा है तो यहां तक साथ चला है? सुनना खास तौर से, सुनेगा सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से क्या कहने, क्या कहने। जो मेरे देश के हैं गद्दार। क्या बात है, क्या कहने। ये देखिए, ये चाय वाला आ गया। ऐसा ना करो भाई, एकदम आखिरी अय्याम है। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो लोग आखिरी सब में बैठे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तारीफ करें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा, जब सब जुड़ जाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, ताई कर दोनों हाथ पे जोर। वाह 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 वाह। समस्तीपुर के अच्छे लोगों में इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। आपको कल मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा ये बयान याद रखना, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। वाह, यकीनन यकीनन यकीनन। उस नज्म से मैं कब्र से कितना कहना चाहता हूं। जब मुल्क आजाद हुआ, हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ, आओ एक ऐसे देश में आओ जहां तुम्हारे जैसे नाम होंगे, तुम्हारे जैसे लिबास होंगे, जहां तुम्हारे कानों को सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से अजानों को सदाएं सुनाई देंगी। उसी वक्त हमारे बुजुर्गों ने फैसला कर लिया था, हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ हमारे कानों को कीर्तन और भजन की सदाएं भी सुनाई जाए। मैं उस कबीले से शुरू होता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। कितने भोले लोग हैं आप, खुदा की कसम, जो मेरे देश के, मैंने कहा ताली में, हाँ जो गद्दार है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें ताली थोड़ी बजनी है, इसमें तो शेम शेम। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसाले दिल में चाहे राम, बसाले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदू। हाय 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 हाय। इब्ला अली अशरफ फातमी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं हाशिम भाई। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और ये बंद पढ़ता हूँ, स्टेज पर हमारी बहन बैठी है, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। अरे तो फिर तो भाभी, फिर तो भाभी है जब यासिर भाई बहन। अल्लाह सलामत रखे यासिर भाई को, और खुदा से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें इस तरह से नवाजे, क्योंकि जो शख्स कौम की खिदमत में लग रहेगा अल्लाह उसके साथ। यकीनन यकीनन, और यासिर इमाम साहब के तआवुन के बगैर ये मुशायरा हो ही नहीं सकता था। एक बार उनके लिए पुरजोर तालियां बजा दे भाई, क्या कहने। एक बंद पढ़ता हूँ, और जो मेरी बहन इस साइड से खवातीन बैठी है, वो खास तौर से ये बंद सुने, पेश करता हूँ शरीक बना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी ला।
मौलाना हो या महाराज वो हिंदुस्तान। क्या कहने हाशिम भाई, बाबा 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 भाई, क्या क्या मिसरे दे रहे हैं। आहा आहा आहा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक मतलब और मुझे हुक्म हुआ है वो आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो समस्तीपुर वाला जवाब मिलता है दुनिया बहुत बड़ी है। शायरी मुझे इससे बड़ा, इससे बड़ी पोस्ट, इससे बड़ा अवार्ड क्या देगी, मुझे अल्लाह और उसके रसूल के दर की कई बार हाजिर नसीब हुई। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, जहन में ये रखे एक ही सवाल कि दुनिया कितनी बड़ी है। मैं बताता हूँ दुनिया कितनी बड़ी है, आप तायद करना, जिन सुनना खास तौर से। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा की बड़ी है दुनिया। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा अगर अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना, सुनना। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में। हाय 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 हाय, क्या मिसरा लगा दिया बाबा बाबा, किस रूप से मिसरा लगाया बाबा। के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। एक नज्म आपको सुनाना है, नज्म मेरी इतनी ताजा है कि उसमें से भाप निकल रही है, बिलीव मी आपने नहीं सुनी होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। हालांकि ये यूट्यूबर्स खड़े हैं मेरे सामने, इनको पहले पता, तो थंबनेल जो आप लोग लगाते हो ना, आप काफी हो, हम शायरों की आस्पत खराब कर लेते। आप लोग अपना व्यूज के चक्कर में, अभी मैं वीडियो देख रहा था भाई मारूफ, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के छूटे पसीने, सिर्फ इसलिए कि व्यूज मिल जाए इन्हें, और इनको पता नहीं इनके चक्कर में कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फौरन स्ट्राइक आएगी आपका। सुनना, इजाजत। इतने अच्छे साल महीने खास, मैं तो चोरा चाह रहा हूँ कि तुझे अपने साथ पैक करके ले जाऊं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, आप लोग खुश हो रहे हो। सुनना, है मेरा झूठ का कारोबार, वो भी नहीं देखे भाई, भाई आगे देखे मिश्रा, देखे क्या कहाँ जा रहा है। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। ताली कमजोर है, क्या कहने। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का, तो मैं डेडिकेट करता हूँ उन सहाफी, उन पत्रकार, उन मीडिया कर्मी, उन पर नजर करता हूं जो इस दौर में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सुनना, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं, हर मिसरे पर मेरे साथ चलना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ बाबा। नहीं क्या कह, ऐसे नहीं, जोर अब लगे बाबा का, मैं सच को झूठ बनाता हूँ बाबा बाबा। अब अगला मिश्रा, अब देखता हूँ किसकी बाबा ज्यादा मजबूत है, अभी नहीं। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ बाबा। अब सब मिलकर ताइद करना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार है। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, ये
मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनना, अगर आप हर मिसरे पर मेरे साथ चले तो मेरी नज़्म का मकसद पूरा हो जाएगा। सुनना, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार। सुनना, मेरी सोने की चादर है, मेरी सोने की चादर। इतनी कमजोर आवाजों में नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है। समस्तीपुर के अच्छे लोगों, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा चौथा मिसरा एक तरफ। सुनना ताकि मालो, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। आ, हा, 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 क्या मिसरा दिया है। आ, हा, 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 मेरे मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान, ये पाया है मैंने सम्मान, के थूके मुझ पर हर इंसान। मैं फर्जी पत्र आए हाय, एक एक मिसरा सच्चा। आहा, आहा, आहा। सच्चाई के दर्पण में हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है, गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन। सुनना, कैसी मस्जिद कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। ताई करना समस्तीपुर वालों, कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं, आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में, आम की लकड़ी कहां गई वो सीता मैया, और कहां है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम। दो मिसरे पढ़ूंगा, जो लोग खामोश अपनी खामश तोड़ेंगे। कहां गई वो सीता मैया, और कहां है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे भुला दे आग लगे उस फैशन में। बहुत शुक्रिया ताजपुर वालों, आपने मुझे ढेर सारे दुआई दी। यहाँ से हमारे भाई नजरुल भाई आजकल वो तो हापुड़ में है, और भाई सब बैठे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे शाहीन भाई।